बिना गैस जलाया है केवल 3 इंग्रेडिएंट से बनाइए केक। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और मुंह में घुल जाने वाला केक है और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बस आप आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने 6 स्लाइस ली है ब्रेड की और उसको इसके कॉर्नर्स को कट करेंगे। हाँ, कॉर्नर्स कट करते समय ध्यान रखेंगे कि इसको इक्वल मात्रा में कट करना है और बहुत पतली लेयर्स के रूप में कट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं कट करना है। इस तरह कट कर देंगे, 6 पीसेस को निकाल लेंगे और इसको फैला देंगे। उसके बाद फिर जार लीजिए, जार में 1 ओरियो बिस्किट का पूरा पैकेट डाल देंगे और 1 कप दूध डालेंगे। और फिर मैंने दूसरा पैकेट भी लिया हुआ है क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा बनाना है, मुझे लग रहा था कम पड़ जाएगा इसलिए मैंने दूसरा पैकेट भी लिया है। और उसके बाद में 1 ब्रेड के स्लाइस को लिया और उसके कॉर्नर्स को तोड़ करके अलग से निकाल दिया। आप इसको कट भी कर सकते हैं और उसके बाद इसको तोड़ करके हम इसमें डालेंगे क्योंकि मुझे थिक चाहिए। और थिक करने के लिए ये एक टिप्स है कि जब थिक करने के लिए आप इसमें ब्रेड के टुकड़े को डाल सकते हैं काट करके। और फिर डालने के बाद इसमें शुगर वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे और फिर इसको ग्राइंड करेंगे। बहुत ही अच्छे से जब ये ग्राइंड हो जाएगा तब आप देखिए ये पेस्ट बन करके तैयार हो गया है और मैं आपको स्पून से उठा करके दिखा रही हूँ। थोड़ा थिक पेस्ट है ये और अब हम इसी पेस्ट को इस ब्रेड की स्लाइस पे लगाएंगे। स्पून की हेल्प लेकर के लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाता है ये। और इस तरह इक्वल मात्रा में इक्वली हम लगाएंगे, यानी बराबर से लगा देंगे और फिर दूसरी स्लाइस को इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से हमने जो 6 स्लाइस के निकाली हैं कट करके उनमें बीच बीच में लगा करके एक दूसरे के ऊपर इस स्लाइस को रखते जाएंगे। बराबर कर दीजिए फिर रख दीजिए। इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं मिलाएंगे क्योंकि शुगर तो पहले से बिस्किट में बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद जब लगातार इसको लगाने के बाद हम एक लेयर बना लेंगे, फिर इसके ऊपर ये क्रीम लगाएंगे। ये क्रीम होममेड है और इसके ऊपर हम क्रीम को लगाएंगे। और आप चाहें तो क्रीम मार्केट से भी लेकर के उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर की क्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप ऐसे घर में क्रीम बनाइए फिर इसको लगाइए। फिर इस क्रीम को केक पैलेट नाइफ से आप चारों तरफ इक्वली इसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये केक पैलेट नाइफ नहीं है तो आप किसी भी नाइफ से इसको लगाइए और इस तरह चारों तरफ लगा करके उसको गोल गोल घुमा करके चारों तरफ से इक्वल कर दीजिए। इस तरह इसके चारों तरफ क्रीम खूब अच्छे से लगा देंगे और इसको इक्वल कर देंगे। स्क्रैपर की मदद से, यानी केक स्क्रैपर जो मार्केट में आता है उसको आप ले सकते हैं, उसकी मदद से आप इसको चारों तरफ से इक्वल कर दीजिए और ऊपर से भी इसके लेयर को बराबर कर दीजिए। और फिर ये केक स्क्रैपर एक कंघी की तरह आता है, यानी इसमें जो कांटे निकले होते हैं उससे आप जब चारों तरफ लगाएंगे तो इसके चारों तरफ धारी जैसी बन जाएंगी जिसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप फोक का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान तरीका निकाला है। एक आप कार्ड लीजिए या पेपर कड़ा हो तो उसके ऊपर आप कोई भी आकार बना लीजिए और उसको कट कर दीजिए। मैंने दिल का आकार बनाया हुआ है, उसको कट कर दिया है। थोड़ा दिल का आकार सही नहीं बनाया है लेकिन मैंने जल्दी भी बनाया है। इस तरह से हम इसको बना देंगे। किसी भी डिज़ाइन को आप बना सकते हैं पेपर पर और उसको कट कर दीजिए। ये देखिए, इसको मोड़ करके हम अंदर से कट करेंगे, बाहर से नहीं कट करेंगे। और इस तरह से दिल के आकार को कट करके और उसके बाद इसी कटिंग को हम ऊपर से, इस कटिंग को हम केक के ऊपर रख करके कोका पाउडर को छन्नी में ले लेंगे और उसके बाद किसी भी स्ट्रेनर में आप ले सकते हैं। उसके बाद उसको छान लीजिए। कोका पाउडर को छान करके जब हम इसको उठाएंगे तो बहुत धीमे से उठाएंगे, लेकिन हाँ, उठाने के पहले थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे और फिर उठाएंगे जिससे इसके डिज़ाइन बिगड़ने ना पाए। और जब ये बन करके तैयार हो गया, देखिए बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और उसके बाद इसको हम कीप में डालेंगे और थोड़ा सा टाइट हो तो आप दूध डालकर गीला कर लीजिए। और उसके बाद चारों तरफ इसको गोल गोल सर्किल में हम इसकी डिज़ाइन बना देंगे सिंपल सी, और नीचे से एक सर्किल बना देंगे और जो गोल गोल बने ऊपर डिज़ाइन लगाई उस पर छोटी सी टॉफ़ी रख देंगे। ये चॉकलेट की टॉफ़ी है, इसके ऊपर आप कुछ भी रख सकते हैं, चॉकलेट भी रख सकते हैं। और उसके बाद आप इसको कट करके देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा मुँह में घुल जाने वाला है। बिल्कुल घर की क्रीम आप ज़रूर बना करके इसको बनाइए। इस तरह कितने आसान विधि से केक बन करके तैयार हो जाता है। फिर आप इसको कट कर दीजिए और फिर आप इसको देखिए कितने आसानी से गिर जा रहा है।